Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy and hope you all are enjoying. Kids, हम कर रहे थे maths में chapter 11 clock and calendar and ये हमारी second class है clock and calendar की. Clock and calendar में हमारे पास दो थे चीजों. क्या था chapter करें? Clock and calendar. तो हमने clock कर लिया था, अब हम करेंगे calendar. तो कैलेंडर के लिए मैम ने आपको क्लॉक दिखाई थी ना जब हमने क्लॉक का पार्ट करा था. तो अब हम करेंगे कैलेंडर एंड उसके लिए हमारे पास है आज कैलेंडर भी. तो कैलेंडर ये होता है, आप सबको पता है, जिसमें बहुत सारे मंथ्स होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं. तो 12 के 12 ये होते हैं लाइक दिस, ठीक है? ये होता है हमारा कैलेंडर. अब कैलेंडर क्या बताता है ये हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. तो मैम ने अपना पेज नंबर 119 खोला हुआ है, आप सब भी ओपन करो. कैलेंडर, अ कैलेंडर टेल्स अस डेज, डेट्स, मंथ्स ऑफ अ ईयर. कैलेंडर हमें क्या क्या बताता है? मंथ की कौन सा महीना चल रहा है, डेट्स की क्या डेट है, क्या डे है और कितने मंथ होते हैं. डेट, डेज और मंथ ऑफ द ईयर हमें बताता है कैलेंडर. एंड कुछ कुछ कैलेंडर्स में क्या होता है, नीचे ना मेंशन होता है कि यहाँ यहाँ इतने फेस्टिवल्स होते हैं इस डेट में, ये सब भी, ठीक है? तो अभी हम देखेंगे कि कैलेंडर में हमें क्या क्या, इतना तो हमें पता लग गया ना, डेट, डेज एंड मंथ ऑफ द ईयर. तो हमें क्या ये पता है कि कितने डेज ऑफ द वीक होते हैं एंड कितने मंथ ऑफ द ईयर होते हैं? तो आज हम यही जानेंगे. डेज ऑफ द वीक, देयर आर 7 डेज इन अ वीक. वन वीक में होते हैं 7 डेज. कौन कौन से? दैट इज मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे. फर्स्ट डे कौन सा होता है? मंडे. एंड लास्ट डे, सेवेंथ डे कौन सा होता है? संडे, ठीक है? तो फाइनली क्वेश्चन इज, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक? देयर आर 7 डेज इन अ वीक. नेम देम, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन अराइजेज, अब फिल इन द ब्लैंक्स है इसी से रिलेटेड. डैश इज द थर्ड डे ऑफ द वीक. कौन सा डे होता है थर्ड डे वीक का, देख लेते हैं. मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे. थर्ड नंबर पे कौन सा आया? वेडनेसडे. तो आंसर टू दिस इज WEDNESDAY. वेडनेसडे इज द थर्ड डे ऑफ द वीक, ठीक है? नेक्स्ट इज, डैश इज द सेवेंथ डे ऑफ द वीक. सेवेंथ डे ऑफ द वीक कौन सा होता है? मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट इज संडे. उन्होंने सेवेंथ डे ही पूछा था, दैट इज संडे, SUNDAY. फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक. अब उन्होंने कहा फ्राइडे का नंबर बताओ कौन से नंबर पे आता है. मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे. फ्राइडे कौन से नंबर पे आया? फिफ्थ नंबर पे. तो फ्राइडे इज द फिफ्थ डे ऑफ द वीक, ठीक है? नेक्स्ट पे हम आते हैं मंथ्स ऑफ अ ईयर. कितने मंथ्स होते हैं ईयर में? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. 12 मंथ्स होते हैं, कौन कौन से? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है? तो हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन अ ईयर? देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर. अब कौन से मंथ में कितने डेज होते हैं ये कैसे पता लगता है? इसके लिए हमें क्या करना होता है बेटा? सिर्फ फरवरी को छोड़ देते हैं हम क्या करते हैं, सिर्फ फरवरी को छोड़ देते हैं, क्योंकि फरवरी एक ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं, ठीक है? फरवरी में 28 डेज होते हैं. और 5 इयर्स के बाद एक ऐसा मंथ ईयर आता है जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं. तो फरवरी में या तो 28 होंगे या तो 29 होंगे. तो इसको छोड़ देंगे फरवरी को. रेस्ट बाकियों में क्या होता है, या तो 30 डेज होते हैं या फिर 31, सब में यही होता है सिर्फ फरवरी को छोड़ के. तो हम बाकी मंथ्स को कैसे करते हैं, हमें अपने ऐसे करना है, वी हैव टू फोल्ड आवर हैंड्स लाइक दिस एंड
जो चीज़ ऊपर होती है इट मींस वो ज़्यादा होती है, जो नीचे होती है वो कम होती है। तो जो जो मंथ्स ऊपर आएंगे ना उसमें 31 डेज होते हैं, जो गड्ढे में जाएंगे हमारे नीचे वो होते हैं, जो नीचे गिर जाते हैं उसमें 30 डेज होते हैं। ठीक है, फरवरी को छोड़ दो। तो ऐसा करते हैं हम हिल सी बना लेते हैं। यहाँ पे देखो कैसे बनाना है। ये मैम ने बनाई एक लाइन, ये हमारा हैंड है, 1 2। हम यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका हैंड का ये वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करना है। जो ऊपर उड़ता है उसमें 31 डेज होते हैं, जो नीचे रह जाता है उसमें 30 होते हैं। ठीक है, और फरवरी को छोड़ देना है। जनवरी आता है फर्स्ट, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जनवरी। जनवरी में कितने डेज हुए? 31। फरवरी छोड़ दो, 28 मान लो। मार्च 31, अप्रैल 30, जून 31, जुलाई 30, अगस्त 31, सितंबर 31, अक्टूबर 30, नवंबर 31, दिसंबर 30, लाइक दिस यू हैव टू। अब जैसे कि मैम ने आपको ये बना के दिखाया, अब मैम क्या करेंगी, मैम मंथ्स लिखेंगी, मंथ्स के नेम। जान मैम शॉर्ट फॉर्म लिख रही है, जान, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अब हम यहाँ से हिल्स देखते रहेंगे और फिर साथ साथ करेंगे। जनवरी कहाँ से शुरू हो रहा है? यहाँ से। तो जनवरी हैज 31 डेज। देन फरवरी हैज 28 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च हैज 31 डेज। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल हैज 30 डेज। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई में कितने आएंगे? 31। जून, कैसे बार बार आपको काउंट करना पड़ेगा ताकि हमारी गलती ना हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में कितने आएंगे? 30। देन जुलाई में 31, ओके। देन अगस्त में अगेन कितने आएंगे? 31। सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31। ठीक है, क्लियर? इस तरीके से अब आपको ये लर्न करना है। ये लर्न करना इजी है बहुत, क्योंकि हमें अपने हैंड को फोल्ड करना है एंड इससे हमें गेस कर लेना है किसमें 30 डेज होंगे और किसमें 31। क्लियर, ये चीज़ होती है हमारी यहाँ पे कंप्लीट। अब हम आते हैं अपने चैप्टर पे मेन। फिर हमें अब ये पता लग गया कितने डेज होते हैं, उन्होंने भी देखो इस तरीके से ही करके आपको बताया है। नेक्स्ट, अब हम आते हैं पेज नंबर नेक्स्ट पर। इसमें क्या है, 1 वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज। 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, और जब मैम ने बताया था फरवरी में एक बार 28 डेज होते हैं, फिर कुछ सालों के बाद 29 डेज, जब 29 होते हैं जब तो 366 डेज होते हैं। ठीक है, 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स होते हैं। देयर आर 52 वीक्स एंड 1 or 2 डेज इन अ ईयर। ठीक है, नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर। 1 ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12। ठीक है, मैम ने अब आपको 1 बताया, बस बाकी आप खुद करोगे क्योंकि मैम ने आपको ये सब चीज़ें एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है, और हमारे को सिर्फ यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट करना था। हमने क्लॉक एंड कैलेंडर दोनों चीज़ें, दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिए। होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड। थैंक यू।